तीनों ब्रह्मांड में कहीं भी छुपे हो ढूंढ के निकालूंगा। क्या बात कही है सर। आधे बंद करो, पहले उन्हें पकड़ना है। तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ। आप घर जा रहे हैं सर। शट अप। हे, फॉलो मी, कम ऑन। यस सर। पोलियो डोज की राजेश बाबू, राजेश बाबू, आपको पकड़ने के लिए पुलिस आई है, पूरे गांव को घेर लिया है। चलो 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 चलो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर आओ। लखी, जल्दी 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 करो, ढको ढको जल्दी करो, ढको यहां से, अरे जाओ यहां से निकलो। जल्दी पत्ती लाओ, पत्तियां लाओ, जल्दी ढको, ढक दो। सर, चाहे कुछ भी हो, गांव गांव होता है और सिटी सिटी होती है। बा, 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 बा। क्या बात कही है सर। चलो 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 चलो, निकलो यहां से, चलो जल्दी चलो, चलो भाई ढूंढो, तुम भी ढूंढो। बाहर पुलिस से अलग किया, इसका ध्यान रखना। बाप रे, तेजी दारू पीने की वजह से पेट भारी हो चुका है, अर्जेंसी है। चल जा रे बाबा, अच्छा कुत्ता है, अच्छा प्लेस बताया है, फूल चुका है रे बाबा। राजेश, वो देखो। अब ये क्यों अपनी धोती उठा रहा है? यहाँ से चलते हैं। अरे ये क्या पेड़ चल रहा है? अरे रुको रुको, अरे पेड़ फिर से चल रहा है। ए, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, बोला ना, कुत्ते ने किया तो अच्छा लगा तुझे, मैं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उस पर मुझ में डिफरेंस क्या है? पेट भूल चुका है, तुम यही रुको, करने दो। राजेश, वो देखो। चलो। अरे फिर से जा रहा है। ए, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कुत्ते ने किया तो मजा आया, मैं करूंगा तो मजा नहीं आएगा क्या? क्या कर रहे हो यहाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मैं अकेला बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ सर, पेड़ भाग रहा है। पीने के बाद नशा छटता है तो पेड़ भागता हुआ नजर आता है, पूरी दुनिया नाचती हुई दिखती है। बेवड़ों की साइकोलॉजी क्या पहचाना है सर? रहो रे बाबा, एक तो मेरा पेट फूला जा रहा है सर, जरा पकड़ लो सर, करना है मुझे। क्या पकड़ना है, तुम क्या करोगे? आप पेड़ पकड़ो सर, मैं सुसु कर रहा हूं। तूने मुझे समझ के क्या रखा है रे? मेरी रेंज तुझे पेड़ पकड़ने की लग रही है, दूंगा घुमा के। होशियारी मत कर, चल निकल, कम ऑन, फॉलो मी। आपने अपने आप को क्या पहचाना सर? ये इतनी आसानी से हमें छोड़ेगा नहीं। सर, सर आइए सर, पेड़ भाग रहा है। मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था ना, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। बाप रे, पेड़ भागा जा रहा है। आइए सर, जल्दी आइए, देखिए, मेरी बात पर आपने यकीन नहीं किया था ना, देखिए पेड़ भाग रहा है। Yes, something wrong with that. Yes sir. चलो। इस टेंशन में मेरी सूस भी बंद हो जाएगी। Come on. सर, वो पेड़ भाग रहा है सर। Yes, follow me. ये पकड़, अभी उठाता हूँ। हाँ सर, बोलो भाग गए सर, यहीं कहीं पर होंगे। ए, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी ढूंढो, चलो ढूंढो, जाओ उस तरफ ढूंढो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, बाइक की आवाज है। हाँ यार। हाँ सर, सर बोलो भाग रहे हैं सर। दादाजी, इस जेल में क्या हो रहा है? और कोई रोक भी नहीं रहा? इस जेल में ये सब चलता ही रहता है। रईस लड़कियों से प्यार करने वाले लड़कों पर गलत केस लगाकर उन्हें अंडर कर देते हैं और इस तरह सजा देता है ये जेलर। ऐसी सजा से बदल गए तो ठीक है, वरना जान से मार देता है।
चलो यार, एट लास्ट पहुंच गए। मैंने कहा था ना, चलो चलो जल्दी चलो। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। हाय अंकल। हाय बेबी, कम ऑन। हाँ बेबी, हाउ आर यू? फाइन अंकल। वेरी गुड। हाँ वैसे हमारे डीएसपी साहब कैसे हैं? डैडी भी अच्छे हैं। दैट्स गुड सर। हाँ जरा फाइल तो देना। देखो बेटी, इसमें सारे कैदियों के विवरण, उनकी केस शीट्स और डिटेल्स हैं। नो यू गो टू वर्क। नो सर, ये सब यहाँ कैदियों के पर्सनल इंटरव्यू के लिए आए हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम। तुम जिन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हो वो कोई मामूली कैदी नहीं है। उनमें रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स भी हैं, थर्ड डिग्री के क्रिमिनल्स भी हैं। ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है। आई मीन एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हम इंटरव्यू लेकर उनका सच जान लेंगे। यस यस, इंटरव्यू करेंगे। ओके ओके। वो 143 कहाँ है? वो देखो वहाँ है। जेल से लड़की के पास लेटर लिखकर भेजता है, इतना महान प्यार है तेरा। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ भाई। काहे का प्यार रे? नहीं भाई, नहीं छोड़ दो। भाई मुझे बचा लो भाई। बस ये तो ओए, उसे घसीट के ले आओ। राजेश राजेश प्लीज मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। राजेश प्लीज मुझे बचा ले। राजेश भाई प्लीज। राजेश भाई अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये लोग मार डालेंगे। प्लीज बचा लो मुझे, बचा लो यार। Oh!
ये जेल है तुम्हारा घर नहीं। पागलो जैसी हरकत की तो जान से मार दूंगा। तुम क्या मारोगे और किसे मारोगे? मिस्टर कोलायप्पा, प्रेमियों को मार सकते हो लेकिन प्यार को नहीं मार सकते। युगों युगों से प्यार को मारने की कोशिश जिसने भी की है वो सब मारे गए हैं, लेकिन प्यार हर युग में जीवित है। दिया थोड़ी सी ही रोशनी देता है, सूरज भी पूरी रोशनी नहीं दे पाता है, लेकिन प्यार दो इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वाली रोशनी देकर पूरी दुनिया को चलाता है। लव इज नॉट ब्लाइंड, इट शोज द ब्लाइंड अ क्लियर लाइट। मैं एक सजा भुगत रहा कैदी हूँ, तुम्हें मारने पर भी मुझे इससे बड़ी सजा तो नहीं मिलेगी। फिर कभी किसी प्यार करने वाले को परेशान किया तो जान से मार दूंगा, माइंड इट। अरे उठिए सर, उसकी पिटाई कर दे क्या सर? नहीं, उसे अभी कुछ मत करना वरना उसकी फांसी की सजा रद्द हो जाएगी। उसे अभी छोड़ देना ही उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, आपका इंटरव्यू लेने आए हूँ। हाँ ले लो। आपने क्या गुनाह किया है जी? एक लड़के से प्यार किया क्या था? आपने भी प्यार किया था? क्यों नहीं कर सकता हूँ क्या? प्यार को अंधा भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस लड़के को फूल देके प्यार करता हूँ बोला मैंने, हाँ कहोगी तो फूल की तरह ख्याल रखूंगा ये भी तो बोला। कहा उसने? फोन करो कल बताती हूँ तो बोली। क्या? हाँ दूसरे दिन मैंने फोन किया था ना, फिर बोली कल फोन करो बताती हूँ। बाद में? फिर फोन किया, फिर से बोली कल बताती। बाप रे, सस्पेंस रख कर टेंशन में डाल रहा रे बाबा। तो किया क्या? हाँ किया ना मैंने रे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें देखते ही मुझे फूल देने का दिल कर रहा है। शक्ल देखिए अपनी, न तुम चाहिए न तुम्हारा फूल। फूल दे रहा हूँ तो मना कर रही है, बेवकूफ कहीं की। आपका नाम क्या है? सुनिए आपका नाम। लाल गुलाबी सीनू। अरे बहुत अजीब सा नाम है, आपको गुलाब पसंद है क्या? लाल गुलाब सिनेमा के कमल हसन जैसा हूँ। हाँ सुंदर लड़की को देखते ही मैं उसके साथ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है बेबी? खूबसूरती? ये खूबसूरती है, ये तो मेकअप का कमाल है, वरना मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं काली हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, अपना एड्रेस बताओ बेबी। वो तो दिखावे के लिए तैयार हुई, वरना असली में मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ऊपर से सुंदर और अंदर से। नो कॉम्प्रोमाइज, अपना एड्रेस बताओ बेबी। कैदी जी कब से मेरा एड्रेस पूछ रहे हो, वो किस लिए? 6 महीने बाद रिलीज होने वाला हूँ, तुम्हारे घर आकर एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा इसलिए। बाप रे, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट बेबी, गिफ्ट बेबी। नहीं चल जा रही का इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। आपको फांसी की सजा क्यों मिली? आपने अपनी प्रेमिका का मर्डर क्यों किया? आई वॉन्ट योर आंसर। असल में तुम्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? ये कैसा जेल है रे बाबा? कैदी है या सब काम राक्षस? कड़प्पा का गुंडा है बोल रहा था, उसकी तारीफ को आग लगे। तलवार जैसी तुम्हारी तेज नजर, फांसी के फंदे जैसी तुम्हारी चोटी, दारू के ग्लास जैसे तुम्हारे गाल, खून से लते हुए छोटे छोटे तुम्हारे होठ, तरबूज जैसी तुम्हारी। बस, बस, बस कर मेरी माँ। इन कैदियों से मिलने के बाद लगता है कि हम रोज जिन लड़कों को देखते हैं अपनी प्यारी नजरों से नैन लड़ाकर हम पर प्यार से कमेंट्स करते हुए कितने प्यारे लगते हैं। क्या हुआ यार, इतने सीरियसली क्या सोच रही है? उतनी खास बात क्या है उस कैदी में जो रिपीट रिपीट करके देख रही हो? वो बहुत टिपिकल इंसान है, उसका केस शीट देखने के बाद पता चला कि वो अपनी प्रेमिका का हत्यारा है, लेकिन प्यार के बारे में उसकी बातें सुनकर अब बहुत अच्छा इंसान लगता है। ही इज गॉट ड्यूअल पर्सनालिटी। कल जेल जाने के बाद उसकी सारी डिटेल्स निकालूंगी। हेलो, आप चोरी करने में स्पेशल हो? या, दाई जेब को पता ना चले बाई जेब से चुरा लेता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो पकड़े कैसे गए? एक शादी में जाकर दुल्हन का नेकलेस चुराना चाहता था, एक छोटी सी गलती हो गई। बेचारे, तो इस तरह पकड़े गए तुम? काफी वक्त बीत चुका है, हाथ में खुजली हो रही थी, अभी अभी आपको पता भी नहीं चला और मैंने एक चीज चुरा ली। उस दिन जो शादी में गलती की थी वापस वही कर दी।
सब कुछ ठीक तो है। अब होश ठिकाने आया, मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। इंटरव्यू से क्या पता चलेगा, आप ये प्रैक्टिकल्स के लिए आई हो ना। सच अपनी आंखों से देखने से अच्छा इम्पैक्ट होता है। मेरे साथ चलिए, आपको जो चाहिए वो दिखाता हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। आइए मैडम, आइए आइए, बैठिए। उस वक्त गीता भी ऐसे ही बैठी थी, मैंने क्या किया पता है? पकड़ कर वो भी ऐसे चिल्लाई थी, ऐसे चीखी थी, चुपचाप कोऑपरेट करोगी? इसमें मेरी गलती क्या है सर? इसी ने प्रैक्टिकली करके दिखाने को बोला, वही दिखा रहा हूँ सर। इसमें मेरी क्या गलती है सर? मैडम, आप इस अकेले में बात करने क्यों आई? ये आपके कॉलेज का दोस्त है क्या? अभी आपके साथ कुछ हो जाता तो। तुमसे बात करनी है, रिसर्च वर्क के लिए आई हूँ। तुम्हारा केस काफी इंटरेस्टिंग है, तुमसे मिलने के बाद तो तुम अपने केस से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ए, क्या है ये? मैं कब से बोली जा रही हूँ और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो? तुम कोई गांधी या नेहरू हो समझकर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने आई हूँ, ये हमारा प्रैक्टिकल्स है। क्या है, कुछ पूछ रही हूँ और तुम चुप क्यों हो? तुम एक फांसी की सजा पाने वाले कैदी हो, क्रिमिनल हो, अपनी प्रेमिका को मारने वाले मर्डरर हो। देखिए, जैसा आप सोच रही वैसा ही हथियारा नहीं है, अच्छा आदमी है। अरे लड़की हूँ ये भी नहीं सोचा, कोई हाथ उठाता है क्या ऐसे? बिना सच्चाई जाने तुमने एक निर्दोष आदमी को खूनी कह दिया, बेगुनाह को अगर गुनहगार कहा जाए तो वो कैसे चुप रहेगा? अब तक तो रिसर्च वर्क के लिए जानना चाहती थी, लेकिन अभी आपसे इनके बारे में सुनकर मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ। असल में हुआ क्या है, डिटेल में बताइए प्लीज। इस कैदी नंबर 786 का असली नाम है राजेश, विशाख जिले के छोटे से गांव विद्याग्राम का ये रहने वाला है। अनार, फिर से एक बार बोलो। सबने लिखा है ना, लाओ दिखाओ। नमस्ते जी। नमस्ते बहन, बैठिए। कोई बात नहीं, अपना राजेश डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए स्टेट में 12वें नंबर पे है। बहुत खुशी हो रही है बहन जी, वैसे कॉलेज कब भेज रही हैं? वो तो मुझसे जब तक हुआ तब तक तो मैंने उसे पढ़ाया है, लेकिन MBBS पढ़ाने की हैसियत मेरी नहीं है, इसलिए उसे घर के काम पर लगा दिया। देखो बहन, पढ़ाने की हैसियत होते हुए भी पढ़ने की क्षमता सब लोगों में नहीं होती। अपना राजेश डॉक्टर बनेगा तो इस गांव का ही नहीं, आसपास के सभी गांवों का भला होगा। सब लोग मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। माफ करना, हाथ बढ़ाने का बड़प्पन आपके पास है, लेकिन हाथ फैलाकर मांगना मुझे नहीं पसंद। इसके पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर थे, सारी उम्र उन्होंने इस गांव की सेवा की है। उनका भी यही सपना था कि इसे डॉक्टर बनाए, लेकिन आत्माभिमान को मारकर इसे पढ़ाना मुझे नहीं पसंद। माँ, माँ। क्या है बेटा? क्या हुआ, सब लोग इस वक्त यहाँ आए हो? कुछ नहीं बहन, आज से हम सभी लोग पढ़ने की सोच रहे हैं। क्यों दादाजी, आप भी? हाँ बेटा, मैं भी। रोज किसी और से पेपर पढ़वाने के लिए अब मेरा आत्माभिमान मना कर रहा है। आज बहुत अच्छा दिन है बेटा, इसलिए आज से ही शुरू करेंगे तो शुभ होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये माँ जी, ये पहले ये लीजिए। ये क्या है? मुफ्त में कैसे पढ़ेंगे बहन, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारा भी आत्मसम्मान है, इसलिए मुफ्त में नहीं पढ़ेंगे। ये लो बहन, गवर्नमेंट को हमने कई बार अर्जियां दी, कई साल बीत गए, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं आया। हर साल न जाने कितने लोग बीमारियों से मरते हैं,
अपना राजेश एक बड़ा डॉक्टर बन के इस गांव में आएगा तो सिर्फ हमें ही नहीं बहन, अपनी अगली पीढ़ी को भी फायदा होगा, यही उम्मीद है बहन। अच्छे काम के लिए लीजिए ना माँ जी, 10 हाथ मिलकर एक अच्छा काम करना चाहिए माँ जी, ये लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, बेटा। हाँ माँ, ले। ये पूरा गांव तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहता है, इनके उम्मीद पर खरा उतरना बेटा। बेटा ये पैसा अपने आसपास के 40 गांव के लोगों का खून पसीना मेहनत का है बेटा। बेटा भगवान ने इंसान को पैदा किया, जब वो बीमारियों से तड़पने लगा तब वो खुद डॉक्टर के अवतार में आया, इसीलिए वैद्यो नारायणो हरि कहा जाता है। हर पल हमारी बातें याद रखकर, ध्यान से पढ़कर, बड़ा डॉक्टर बनकर लौटोगे सोचकर, हजार आंखों से लाखों उम्मीदों से तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाकर आओ बेटा। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं डॉक्टर बन पाऊंगा माँ, चलता हूँ माँ। विशाखापट्टनम की एक टिकट दीजिए। बेटा शहर यानी इंसानों का जंगल है, वहाँ शेर बब्बर शेर नहीं दिखेंगे, लेकिन उनसे भी भयंकर इंसान मिलेंगे, ध्यान रखना बेटा। माँ का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, खत लिखना मत भूलना। जाओ बेटा। मैं जाकर आता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। राजेश बाबू बस रुको, राजेश बाबू बस रुको। क्या हुआ सुब्बम्मा? आज की कमाई है बेटा 70 रुपए है बेटा, अरे ले लो बेटा। नहीं माँ जी। नहीं लिया तो तुम्हें मेरी कसम बेटा। ठीक है दे दो। संभल कर जाना बेटा। बेटा रोको बेटा रोको। ये हनुमान जी का तिलक है बेटा, तुम्हारे सारे काम बिना रुके संपन्न हो जाएंगे। तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनकर आओगे बेटा। थर्टी सेवन 38, 39, 40, 41, 42, 43. भाई पक्का कमार आया है, अभी उसके साथ क्या क्या करता हूँ देखते रहना। जाओ 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 मजा चखाओ। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ए, ए चोर, ए मेरा पैसा, ए, ए रुक जा। कमान, 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 ए, अरे रुक जा यार, ए, अरे उसमें मेरी कॉलेज फीस है, मेरी जिंदगी है वो, अरे रुक जा। ए, भाई मेरे हिसाब से ये उसको मारेगा, ये रहा मेरा दांव। नहीं मार पाएगा, ये मेरा दावा है। सर वो मेरी कॉलेज फीस है, मेरे पैसे मुझे। नो 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 नो, आई एम सो सॉरी, शर्त पर लगे हुए पैसे नहीं दे पाएंगे, शर्त जीतो और लेकर। सर वो मेरे फीस के पैसे हैं सर, प्लीज सर मुझे मेरे पैसे दे। शर्त जीतो और पूरा कैश लेकर जाओ, फर्स्ट फाइट बाद में कैश। सर प्लीज मेरी बात तो लड़ना ही पड़ेगा। हरी गुड लक। अरे ये तो गया। हरी बेटा हरी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये जिंदा है या मर गया देखो ना। भाई हा? मेरे हिसाब से ये अभी जिंदा है भाई। ओहो विश फैलो विश फैलो। सुनो ये पैसा भी तुम्हारा है, लेकर जाओ। मेरे पैसे मैंने ले लिए। Thank you.
पूरे गांव ने एकजुट होकर एक परिवार की तरह 4.5 साल तक राजेश की पढ़ाई का खर्च उठाया। क्यों दादाजी, अब कैसी है तबीयत? आपकी मेहरबानी से ठीक है बेटा। हाँ, वही टैबलेट्स देते रहिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जरा उस लड़की को देखना बेटा, कब से परेशान है वो, दिल में दर्द है और सांस लेने में भी तकलीफ है बेटा। दिल का दर्द? हाँ। हाय। तुम? यू मे गो। हाँ, यहाँ पर क्यों सेटल हो गई? दिल में दर्द हो रहा है जी। अच्छा, हार्ट अटैक हुआ होगा। हाँ ना, मेरे दिल पर एक डॉक्टर ने अटैक किया है और अब वो मिसिंग है। एक बार कान लगाकर चेक करना प्लीज। छोड़ दो, दम घुट रहा मेरा, छोड़ दो। क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। बाप रे, तुम्हारे हार्ट में दर्द नहीं है बल्कि दिमाग में दर्द है। दिमाग की जांच करनी है तो विंडो ऑफ द हेड, सर का मुख्य द्वार मुंह ही है ना, मेरे मुंह पे मुंह रख के देखो सब पता चल जाएगा। देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज छोड़ दो मुझे। ए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाय, सुनो, असल में तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, मैं तो कुछ नहीं सोचता। इतने साल से एक लड़की तुम पे लाइन मार रही है और तुम कुछ नहीं सोचते हो? हाँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है जानते हो? जानना भी नहीं चाहता। तुम जानना नहीं चाहते पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये खड़े-खड़े क्या जॉगिंग कर रहे हैं? मेरे पापा का नाम हरिचंद्र प्रसाद है, इंडिया के टॉप 50 करोड़पतियों में से एक है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी पढ़ाई यूएस में कराकर वर्ल्ड्स नंबर 1 डॉक्टर बना सकती हूँ, लंदन में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवा सकती हूँ, करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस बन सकती हूँ। सोच लो, तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानती नहीं हो। मेरे गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके मेरी पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे यहाँ 40 गांव के लोग वैद्य की जरूरतों के लिए तड़प रहे हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छा डॉक्टर बनकर उनकी जरूरतों को पूरी करने के बाद ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा होगा। ये यूएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स करोड़ों की जायदाद मुझे नहीं चाहिए, मेरा तुम्हारे साथ नहीं जमेगा, प्लीज मुझे भूल जाओ, बाय। हाय। हाय। मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़ी हो, असल में तुम्हारा इरादा क्या है? तुमने अभी कहा ना कि तुम कुत्ते हो। हा? तुम पर इसके अलावा दूसरा कोई इरादा नहीं है मेरा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा और जरूर मिलेगा, बाय। अलखिया, कुत्ता बहुत विश्वासी होता है। वो वो। भाई, तुम्हारी सेटिंग का क्या हुआ? हाँ या ना? कुछ नहीं। आ? इसका नहीं, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकर आए हो? तुम्हें मेरे गेस्ट हाउस पर मैंने हिलाने के लिए कहा था, किडनैप करवाकर। अलखिया, तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। पर तुम्हारा रवैया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तुमसे प्यार करती हूँ। ए, तुम लोग जाओ। ओके, बाय बाय बाय। तुम करना क्या चाहती हो? मैं अब तुम्हारा रेप करने वाली हूँ। व्हाट? तुम मर्द करोगे तो कोई गलत नहीं है और हम करेंगे तो गुना। एए! नहीं तो क्या, पिछले 4 साल से तुमसे प्यार कर रही हूँ, मेरा प्यार, मेरी करोड़ों की जायदाद तुम्हें नहीं पटा सकी, इसलिए। हाँ, तो इसलिए मैंने एक फैसला किया है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाऊंगी, तब तुम्हारे गांव को एक डॉक्टर नहीं बल्कि दो दो डॉक्टर्स मिल जाएंगे। हबीबी, तुम्हें मेरे प्यार से क्या एतराज है बोलो तो? हाँ,
कौन? तो तुमने ऐसा डिसाइड किया है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कहूंगा, हाँ ही बोलूंगा। हरिचंद जी के आदमी पे दांव लगाओगे तो जीत ही जाओगे, क्योंकि वो कभी हारता ही नहीं। सर बॉक्सिंग स्टार्ट। असल में हुआ ये कि मैच फिक्सिंग की? नहीं सर, मैच तुम हार गए, मैं नहीं। मैंने तुम पर बोली नहीं लगाई थी, मैंने उस पर लगाई थी सर। मैं तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूँ, अगर नहीं होता तो यूं करोड़ों की जायदाद का मालिक नहीं होता। मेरा ही नमक खाकर मुझे ही धोखा दिया, मुझे साइनस है। मेरा सामना करने वाले को मैं माइनस मैं माइनस कर देता हूँ। हर धोखेबाज की यही सजा है। सर आज के आपके प्रोग्राम्स 10 टू 11 शिपयार्ड में ऑक्शन है, 11 टू 12 चाइनीज डेलीगेट के साथ आपकी मीटिंग है। अंकल आशीर्वाद। क्या कर रहे हो तुम? अभी जस्ट आपने किसी को ऊपर भेज दिया है। आप सब जरा वहीं रुकिए। मतलब कुछ पर्सनल है क्या? पर्सनल है क्या? सुनेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। आइए प्लीज। वन सेकंड, क्या बात है बोलो। देश के बड़े बड़े करोड़पतियों में आपका नाम लिया जाता है और आपकी बेटी एक भिखारी से प्यार करती है। व्हाट? सुनने के बाद मुझे भी ऐसे ही शौक लगा। वो सारे गांव से भीख मांगकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उससे हमारी अलग क्या प्यार करती है। शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? ए, कर दे, सेपरेट कर दे, जुदा कर दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो सुनिए, रुकिए रुकिए, आपसे ही कह रहा हूं। क्या हुआ बोलिए तो, ट्राई टू से समथिंग। जिससे प्यार करती हूँ उससे दूर होकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बांटने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तो फिर जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी कर लो ना। वो अमेरिका में रहता है, उसे यहाँ आने के लिए एक और हफ्ता लगेगा, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी सगाई तय कर दी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आत्महत्या करना गुनाह है। बताओ मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज मेरी सगाई है, मेरे साथ चलकर आप मुझसे प्यार करते हैं ऐसा सबके सामने बोलेंगे क्या? मैं? हाँ, मेरी शादी रोकने के लिए यही एक रास्ता है, उसके आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो छोड़ दो मैं मर जाती हूँ। नो, ठीक है चलो। नमस्ते बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। पापा? अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो। मैं आपकी बेटी से शादी क्यों करूंगा? ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा? मैंने कहा था ना कि अपनी बेटी की सगाई तुड़वा कर तुमसे शादी करवाऊंगा। सर देखिए, मेरा आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। वो तो सब एक कहानी थी। कहानी बताकर पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या? मेरे पेट में पल रहा आपका बच्चा तो बनावटी कहानी नहीं है, वो तो सच है। ये क्या कह रही हो? अमेरिका से तुम्हारा प्रेमी आने वाला था, तुम बोल रही थी। सर राजेश, व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है ये सब? और ये कौन है? सर, इन सारी बातों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। एक बार मैंने इस लड़की को आत्महत्या करने से बचा लिया था और अब ये मुझे ही फंसाना चाहती है। देख लिया ना आप सब लोगों ने ये अन्याय। ठीक है, तुमने मेरी बेटी से प्यार नहीं किया है? नहीं। उसके साथ शादी करने का वादा भी नहीं किया? नहीं बोला है। और माँ भी नहीं बनाया? नहीं। तो फिर ये सब क्या है, ये सब क्या है बोलो? डॉक्टर साहब एक बार आप ही देख लीजिए।
देख लिया ना सर। अब तुम क्या कहोगे? हाँ सर, सच में मैंने इसकी मदद के लिए। शट अप! आपके पास पुख्ता सबूत है। ये शादी कैसे नहीं होगी मैं देखता हूँ। आप जाइए, ये शादी मैं खुद करवाऊंगा। राजेश, क्या है ये सब? यही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं खुद उनके घर जाकर असल बात क्या है ये पता लगाऊंगा। मरी हुई मधुवाला की याद दिला दी तुमने। सुपर थी एक्टिंग तुम्हारी, क्या परफॉर्मेंस थी। स्वीकार करो मेरी पप्पी। आ गया कबाब में हड्डी। बेटा, तुमने जैसा कहा हमने किया। मेरी बेटी से शादी कब करोगे बेटा? असल में आप जैसे माता पिता आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं। बिना दहेज के शादी करूंगा बोला तो बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मेरी वजह से आपकी बेटी माँ बनने वाली है, उसका फायदा मैंने किसी और को जुदा करने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ। धोखेबाज, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पागल समझा है क्या? पहले बता देता तो माँ कैसे बनती। तुम करोड़ों की मालकिन अलख्या के साथ मेरी लाइन क्लियर होने दो, उसके बाद मैं तुमको ही सेकंड सेटअप बनाकर रखूंगा। ओके, सेकंड सेटअप बनाओगे? लेकिन ये राजेश ही बीच में आ रहा है, उसे ही बीच में से हटा दूंगा तो। मेरी बेटी के साथ धोखा किया तूने, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए पापा। छोड़ो, तूने मेरे पापा को मार दिया। पापा को मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुझे भी। मजबूरी में मारना पड़ रहा। करोड़ों रुपए, करोड़ों, करोड़ों रुपए। शिट, सर सुनिए। ए, कौन है? ए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, तुमसे ही बोल रहा हूँ। ए, ए, सुनो, कौन हो तुम? सर देखिए सर, ये क्या हो गया? मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। सर, मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सब स्टेशन में बताना, चलो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। छोड़ दीजिए मुझे। वेलकम। लड़की से प्यार किया, लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो बाप और बेटी दोनों को बेरहमी से मार दिया तूने। तेरे जैसे हत्यारे का स्वागत है, सुस्वागत है। दस्तखत कर इस पर। उन्हें मैंने नहीं मारा है, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। पहले दस्तखत कर, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो करवाना होता है हमें। करवाओ इससे। पहले इसको निकालते हैं। ताबीज को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। नहीं, नहीं।
देखते रह हम क्या हासिल करते हैं, चल चल। डॉक्टर साहब का खून बह रहा है। बेटा अच्छे से हुई है। ओह, तो ये सारी अरेंजमेंट तेरी है। गांव के चंदे पर जीने वाला तू, कई गांव को अपनी ताकत पे खरीदने वाला मैं। मेरी भी चाहिए इसे अंकल। सॉरी। प्यार जब होता है तो दिल से होता है, पैसा या बैकग्राउंड से नहीं होता। इसलिए पैसे वाली लड़की देखी तो जाल बिछा देते हो, अमीर लड़कियों को फंसा लेते हो। ये फैशन हो गया तुम जैसे लेबरों का। ए, लेबर सच्चाई और धर्म से चलता है, ये हमारा फैशन है। और लेबर के साथ अन्याय करके उनके खून से करोड़ों रुपए कमाना तुम्हारा फैशन है। अंकल, ये बोलने वाला कुत्ता है, एक बोलेंगे तो दो सुना देगा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ए, सुन, मैं जब तक तुझे ऊपर नहीं पहुंचा दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। पैसे वाली लड़कियों से प्यार करने वाले हर लड़के के लिए तुम्हारी मौत उनके लिए एक सबक बनेगी। प्यार एक टाइम बॉम्ब जैसा होता है, उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाओगे। आई लव अलख्या। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इंस्पेक्टर सब हम पर छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से। सर देखिए इसे। ए रोमियो, तू जैसों के लिए खास बनाया है इसे। मेरी बेटी से प्यार कर। इसके दस्तखत लेकर के लॉकअप में डाल दो। रास्कल, उठाओ इसे। दस्तखत नहीं करेगा तेरी तो। इसके हाथ में पेन दो। चल जा, चाय लेकर आ। तुझ जैसे बहुत दिखे मैंने अपनी सर्विस में, मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब तुझे दिखाऊंगा। इसने मेरी आँख फोड़ दी, ये बचना नहीं चाहिए। मर्डर केस में अंदर करो इस आदमी को। ये मुजरिम समाज में कई गुनाह करने वाला एक समाजद्रोही है, इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी दरख्वास्त है इस कोर्ट से योर ऑनर। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? सर, मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम राजेश पर पिता और उसकी बेटी की हत्या और ऑन ड्यूटी पुलिस पे हाथ उठाने का जुर्म साबित हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ऐसा मानते हुए मुजरिम को आईपीसी सेक्शन 302 के अंतर्गत मौत की सजा सुनाती है। इस तरह इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल में इतना दर्द रखकर जीने वाले तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। मेरे गांव के सारे लोग मिलकर जब मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे तब मैं बहुत खुश था, लेकिन उन्हीं लोगों के सामने मुझे हत्यारा साबित करके जेल लेकर आ रहे थे तब मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी सजा के लिए नहीं, मेरी माँ, मेरे गाँव के लोग, उनकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हुआ सोच कर दुख होता है। आई वॉन्ट टू कम आउट, मुझे एक मौका मिलना चाहिए बस। अपने आप को बेगुनाह साबित करके अपने गाँव के लोगों की सेवा करूंगा। बट हाउ, कैसे? कैसे? कौन हो बेटी तुम? नमस्ते आंटी, मेरा नाम रोशनी है, मैं आपके बेटे राजेश से मिलकर आ रही हूँ। हमारे राजेश से मिलकर आई हूँ?
मेरे बेटे से मिलकर आई हूँ। हाँ आंटी। राजेश कैसा है बेटी? ठीक है ना? राजेश बाबू कैसे हैं बेटी? वो ठीक है। हमारे राजेश बाबू ने गुनाह किया इस पर सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि पूरा गांव यकीन नहीं करता है। मुझे भी यकीन नहीं होता है, इसीलिए राजेश को कैसे भी करके छुड़ाने की कोशिश करूं। बेटी, अगर तुम हमारे राजेश को छुड़ाओगी तो हमारी जायदाद, हमारा सब कुछ, यहाँ तक कि हम जान भी दे देंगे। क्या बोलते हो? जान दे देंगे। कैसे भी करके हमारे राजेश को बचा लो, ये गांव वाले तुम्हारे आभारी रहेंगे। राजेश को रिहा करने के लिए आप सब लोगों का यकीन ही काफी है। आपका राजेश आप लोगों के पास लौट आएगा। क्या हुआ बेटी, बहुत उदास हो? कुछ नहीं डैडी। तुम्हारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएस में सीट कंफर्म हो चुकी है, अभी फोन आया था। जाना है या नहीं वो मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया डैडी। नो, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जाओगी तो अच्छा रहेगा। सोच कर बताती हूँ डैडी, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। बाय बाय, संभल कर जाना बेटी। तो तुम खबरी बनकर यहाँ पर आई हो? नहीं, मैं राजेश के बारे में सच बताने आई हूँ। राजेश के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ ही दिनों का होगा, उसके बारे में तुमसे अच्छा मैं जानती हूँ। वो एक क्रिमिनल है। कभी कभी आंखों देखी और सुनी सुनाई बात सच नहीं होती है, समझने की कोशिश करो। तुम उसके बारे में नहीं जानती हो, वो एक लायर है, झूठा है, मर्डरर है। अलख्या, मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ एंड आई एम अ लॉयर, मैं एक सही इंसान को पहचान सकती हूँ। उसने मेरे ही सामने दूसरी लड़की को धोखा देकर उसका और उसके पिता की हत्या करने वाला हत्यारा है। कई हजारों गांव के लोगों का प्यार पाने वाला इंसान है वो, लेकिन उसका प्यार ही उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहा है। मैं उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगी, तुम उससे मिलकर बात कर लो। तुम उसे जेल से बाहर लाओगी और मैं उसे मिलने जाऊंगी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं हर हाल में उसे रिहा करवाऊंगी, तुम जाकर राजेश से पहले की तरह मिलो। क्या बात है, लॉयर का काम छोड़कर ब्रोकर का काम शुरू कर दिया है क्या? तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करती हो वो जिंदगी और मौत के बीच फंसा पड़ा है, फिर भी तुम उसके बारे में नहीं सोच रही हो? तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, आई डोंट केयर। भगवान खुद भी आकर कहे कि वो अच्छा इंसान है, मैं यकीन नहीं करूंगी। तुम एक अच्छी प्रेमिका हो सोचकर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन इतने महान इंसान को ना समझने वाली पागल हो तुम, मुझे तुम पर दया आ रही है। ये लो। राजेश, मैं तुम्हारे गांव जाकर सबसे मिलकर आई हूँ। तुम हमारे गांव गई थी? तुम्हारी रिहाई के लिए वो सब अपनी जायदाद और अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन अलख्या तो अलख्या तुम्हें गलत समझती है। मेरे बेगुनाह ही कानून के साथ साथ अलख्या के सामने भी साबित करनी पड़ेगी। रोशनी, मेरी एक मदद कर सकती हूँ? जरूर, बट रिस्क रहेगा। चाहे जितना भी रिस्क हो मैं करने को तैयार हूँ। लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। थैंक यू रोशनी, प्लीज। राजेश बहुत अच्छा इंसान है, वो बेवजह सजा भुगत रहा है। कल तुम्हें अलख्या के प्रोग्राम्स के बारे में पता लगाना होगा, कितने बजे कहाँ जाती है। हमें किसी के साथ भाग जाने वाली उम्र में किसी और को भगाने में हेल्प क्यों करे भाई? क्या बात है, राजेश पर इतना इंटरेस्ट? क्या उस लड़की की सौत बनना चाहती हो? वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, वरना उसी से डेफिनेटली प्यार करती। तो ये बात है, जब तक आप किसी के प्यार में नहीं पड़ते तब तक ऐसी बातें नहीं होती। अगर हमारी रोशनी उस लड़की की सौत बन जाएगी तो क्या हाल होगा? हाँ यार, ये सोचने वाली बात है, एक बार सब मिलके सोचो। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग राजेश। ए, ये क्या कर रहे हो? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसे जान से मार दूंगा। चलो मो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, कोई भी आगे नहीं आएगा। छोड़ो मुझे, चलो जाओ, वरना इसे जान से मारूंगा। कोई आगे मत आना, वरना इसकी जान ले लूंगा। चलो, वहीं रुक जाओ। कोई आगे नहीं आएगा, वहीं रुक जाओ। अगर कोई आगे आया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। गोली चलाएं क्या सर? हमारे डीएसपी की बेटी है वो, अगर कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुनो, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, छोड़ दो उसे, वो डीएसपी की बेटी है। कर रखा है, अगर पास आओगे तो मार दूंगा।
वैसे भी मुझे मौत की सजा मिल चुकी है, अब इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है। उसे मारना बंद करो, उसे छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। अंकल अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं गोली चला दूंगी, आपका काम खत्म और आंटी विधवा हो जाएंगी। Come on, hey, कोई भी आ गया है तो इसे उड़ा दूंगा। Come on, move, रोशनी चलो। Hey, मार दूंगा अगर पीछा किया तो। बेटी को लेकर क्या? ए राजेश बाहर निकल। वो यहां नहीं आया है, तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का किडनैप किया है। तुम्हारे बेटे को अलखिया से प्यार करने की सजा मिली है और अब किडनैप किया है उसने, भस्म बना देंगे। खड़े खड़े देख क्या रही हो? अपने बेटे को और अलखिया को हमारे हवाले करो। बेवजह तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे, उसे जल्द से जल्द मेरे हवाले कर दो, वरना तुम क्या उखाड़ लोगे हम लोगों का, बताओ। हाँ सुनो, हमारे राजेश को तो कब की मौत की सजा मिल चुकी है, अब तुम लोग क्या कर लोगे? मेरे सामने जवान लड़ा था। हाँ तो क्या कर लोगे? सुबह होते ही हमारे शहर में दूध दही साग सब्जी बेचकर 5-10 रुपए कमाने वाला भिखारी मेरे सामने जवान चलाता है। सर हम गाँव वाले लोग नहीं रहे तो आप शहर वालों को खाना भी नहीं मिलेगा, कंप्यूटर के डिब्बे आपको खाना नहीं देंगे, समझ गए कि नहीं? अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरे गांव को शमशान बना देंगे। हम सब यहां हाथ में चूड़ी पहन कर बैठे हैं। सुन लो, सिर्फ एक गांव नहीं है ये, 40 गांव का संगम है ये, एक एक ने एक एक हाथ भी लगाया ना तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा, एक एक को जिंदा दफना देंगे। हम गांव वालों को समझते क्या हो? मेरा बेटा अब तक यहां नहीं आया है लेकिन आएगा, तुम्हारी बेटी को लेकर आएगा और इसी गांव में रहेगा। तुम्हारे पास पैसा है, अधिकार है, पुलिस है, गुंडे है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हमारे 40 गांव के लोगों का प्यार है। तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ। ए, मैं डर कर जा रहा हूँ ऐसा मत समझना, मेरी बेटी सही सलामत और तुम्हारे बेटे की लाश लाने तक मैं शांत नहीं रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे 40 गांव को खाक में मिला दूंगा, याद रखना। वाला कैदी
जेल से दिन दहाड़े भाग जाए तो डिपार्टमेंट की कितनी बेइज्जती होती है। अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आखिर वो जेल से भागा कैसे? वो लड़की की आड़ में सॉरी बिटिया की मदद से ही वो भाग गया सर। उससे भगाने वाली तुम होती कौन हो? उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? एज अ लॉ स्टूडेंट धर्म को बचाना अपना कर्तव्य मानकर राजेश निर्दोष है समझकर भगाने में मदद की। राजेश बिल्कुल बेगुनाह है ये आपको पता है। देख रही हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो इसने गलती की ऊपर से जबान भी लड़ा रही है। 100 दोषी छूट जाए तो भी कोई गम नहीं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हम लॉयर्स के लिए गीता का उपदेश है। तुम्हें लॉ पढ़ाना मेरी बेवकूफी थी। अंदर जाओ। यू आर राइट डैडी। कुलायप्पा सर अब हम क्या करेंगे? क्या करना है सर? कमिश्नर को स्टेटमेंट देना है सर। पहले तो तुम्हें और फिर बाद में मुझे डिसमिस करके जेल में डाल देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? साइलेंट रहते हैं। अगले महीने उसे फांसी होने वाली है। फांसी के पहले उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। वो जेल में ही है ऐसा मैनेज करो। What the hell, man? Come out. अलख्या सच में मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुमने मर्डर नहीं किया है ये बताने के लिए मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाए हो तुम? देखो तुम्हें वही बताता तो तुम यकीन नहीं करती। मेरे पीछे पुलिस पड़ी थी इसलिए। उस लड़की का भी भरोसा जीतकर मार दिया था। अब मेरा भी भरोसा जीतकर तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लेकर आए हो? अलख्या सच में मैंने उस लड़की को नहीं मारा है बल्कि हमें जुदा करने के लिए तुम्हारे पापा और उस इंस्पेक्टर ने ये साजिश रची थी। अच्छा मेरे पापा की साजिश है शादी करूंगा कहकर माँ बनाकर मेरी जैसी लड़की के मिलते ही बेटी और पिता का खून करने वाले तो महान इंसान हो क्या? अलग क्या मैंने उसका खून नहीं किया है यकीन मानो तुम्हारी कसम। वही तो कह रही हूँ ना तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मुझे मारना ही है ना इसलिए मेरी कसम खा रहे हो ना? अलग क्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम पर यकीन कभी नहीं कर सकती हूँ। इतनी मेहनत से मेरा किडनैप करके मुझे यहाँ लेकर आए हो मुझे मारने के लिए है ना? मार दो मुझे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। छे तुम अपनी कह रही हो लेकिन मेरी नहीं सुन रही हो। अरे तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? तुम खुद ही मुझे एक ना एक दिन बेगुनाह मानोगी। तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। कम ऑन चलो आओ बैठो छोड़ दो अंदर चलो। मुझे मेरी बेटी और वो दोनों चाहिए मुझे। मेरी बेटी सही सलामत और उसकी लाश कैसे कैसे? दारू के साथ इसका कीमा बनाओ। मेरे बारे में पुलिस को बताया तूने? जंगल की जमीन को बेच दिया। पुलिस तुम्हें ढूंढने लगी तो चोर की तरह छिप गया। जंगल माँ की नीलामी करके हमारे साथ अन्याय किया तुमने। रे यहाँ लोगों की जुबान चलने लगी है अब ये जिंदा नहीं बचेगा। भाई जी में कोई आ रहा है। आइए गुरुजी आइए। क्यों मर गया ना? काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। सिटी में सब कुछ ठीक है ना? अब बताओ क्या बात है? तुम जैसे मृगराज के लिए ये छोटा सा काम है। हम तो हमेशा दिखाई देते हैं आप ही दिखाई नहीं देते। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। माय फ्रेंड हरिचंद्र प्रसाद शहर के बहुत बड़े करोड़पति हैं। नमस्ते सर। ₹25 सर।
पेप्सी पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। अगर नहीं पियोगी तो खुद ही भूखी मरोगी। लो पियो। पियो। नहीं पीऊंगी कहकर चिल्ला रही थी और एक ही बार में गटक गई। अब बस भी करो। एक बार रोको। क्या हुआ? एक के लिए जाना। मतलब? ओके, एक नंबर जाना है। ठीक है। उतरो। जाओ। खोल दो। हाँ? नहीं तो कैसे? हाँ। जाओ। ए, रुक जाओ, इधर आओ। क्या है? क्या है? तुम तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करते। अपनी परछाई पर मुझे भरोसा है, लेकिन तुम पर नहीं है। 2 मिनट्स, गो। मिनट साहब, हो गया क्या? कमाल है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। शिट, अलग क्या? एए, रुक जाओ, रुक जाओ, अलग क्या? एए, अलग क्या? रुक जाओ, अलग क्या? उस तरफ मत जाओ, रुक जाओ, अलग क्या? अलग क्या? रुको, रुक जाओ। Hey! छः! अभी अगर मैंने तुम्हें ना पकड़ा होता तो तुम नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाती। छः! चलो। हरिचंद्र प्रसाद जी की बेटी को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। वही केस हैंडल करने के लिए इस जंगल राइडू को चुना गया। यानी उस केस की वैल्यू पता चल रही है तुम्हें? अब क्या बात की है सर, जब से ये केस आपके हाथ में आया है इस केस की महानता के बारे में पता चल गया। हेलो, गोनियों में सोने की स्मगलिंग होने की खबर मिली है सर। पॉजिटिवली चेक करना। गोनी ही नहीं सर, एक मक्खी को तक नहीं छोड़ूंगा। दैट इज जंगल राइडू। सर सर सर, आपको नहीं सर, वो गलती से। ठीक है सर, नमस्ते। हाँ ये सर, हमारे गांव में चेक पोस्ट। आउट आओ, हाँ इधर आओ। क्या है गर्दन पर? बछड़ा है जी। बछड़ा है? बछड़ा है। गाय किसकी है? ये गाय मेरी ही है साहब। हाँ। थोड़े दिन पहले इसका बछड़ा मर गया था। गाय हो या माँ, एक जैसे ही होते हैं। तो माँ का दिल टूट गया जी, इसीलिए इसकी चमड़ी निकालकर पुतला बना दिया। इस पुतले को देखकर अपना दुख भुलाकर अपना ही बछड़ा समझकर दूध देने लग गई। तू जा भाई, तू जा यहाँ। अरे जाओ ना, सर ने बोला ना जाने के लिए। तू भी जा। अरे देख लिया ना माँ का सेंटिमेंट, उस पुतले को अपना बछड़ा समझ के बेचारी दूध दे रही है। शांत हो जाइए, आपका रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सर, वो गाय का बछड़ा नहीं लग रहा था। गाय का बछड़ा नहीं था, भैंस का बछड़ा। भैंस का बछड़ा ही सर। सर, वो बछड़ा पूरे सोने का था, करोड़ों रुपए का था। पेपर में हमारी फोटो, उच्च स्तर पर वाहवाही, सब कुछ चला गया सर। डोंट वरी, कभी ना कभी अपना भी दिन आएगा रे। एवरी डॉग हैज हिज ओन डे। क्या बोल रहे हैं सर? बस आ रही है सर, उसमें हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी और वो डेफिनेटली रहेंगे सर। कम ऑन, लेट अस चेक। रुको, देखो हमारे सर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। होशियार रहना, आग लगा देंगे बस। हाँ सर, वो यहाँ नहीं है। अच्छे से जान गया सर। ए पागल। हाँ सर, उस गोनी में क्या है? सुनो, ये बोरी खोलो। कहकर बुला रहे हो? हाँ, तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? बोलो, तुम पुलिस हो तो क्या हुआ, लोगों को प्यार से बुला सकते हो। दीदी या बहन बोलो, बस काफी होगा। ठीक है बहन जी। हाँ। आप बैठिए, बैठ जाइए बहन जी। सर, मुझे कितनी बार समझाया,
माँ जी, बहन जी, दीदी, ऐसा बोल सकते हो ना? ठीक है, बार समझाऊं तुम्हें? कितनी बार? सर बहन जी, ये बोरी खोल कर दिखाओ, याद रहेगा ना? खोल रही है सर, ये देखो बटाना है सर। बटाना है सर? हमने सोचा था सोना या गांजा मिलेगा सर। ये अपने लेवल का केस है। अपने लेवल का बोल रहे हो? मेरे लेवल का केस है सर। मेरा लेवल एक है क्या? मार दूंगा। आइए बहन जी के बाजू में सीट खाली है। क्या है ये? तुम उसको मेरे पास आकर बैठने को क्यों बोल रहे हो? और जीजा जी भी अभी तो तुमने कहा था ना कि बहन, दीदी, माँ कह के बुलाना चाहिए। इतनी सी बात के लिए सीरियस हो रही हो बहन? क्या बात कही है सर? चल ना भाई, निकल। चलिए सर, जाओ जाओ। ए उठाओ उठाओ, जाने दो। बेटा, बेटा, आ तुम? हाँ माँ, मैं ही हूँ। बेटा, बेटा, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम कैसी हो माँ? दूसरी गोली में क्या है? दिखाता हूँ माँ। भगवान कहीं के, मुझे कहाँ लेकर आ गए? बेटा, ये क्या है? इस लड़की को इस तरह? ना, इसके साथ ऐसा नहीं किया तो नई परेशानियां आ जाएंगी माँ। बेटा, तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पहाड़ी के नीचे वाले गांव में सारा इंतजाम किया। अरे चारों दिशाओं, क्या है पापा? इधर आओ, इधर आओ। पापा, तुम्हारी माँ कहाँ है? दूध बेचने गई है। दायम्मा दायम्मा उयम्मा उयम्मा, क्यों दायम्मा? दूध दोगी या मक्खन खिलाओगी? दूध गर्म करके अपने पति को दूंगी, मक्खन भी उन्हीं को खिलाऊंगी। तो हमें कुछ भी नहीं दोगी क्या दाई अम्मा? दूंगी ना, एक काम करो, मुझे गधे का दूध ला कर दो, फिर दूध भी दूंगी और मक्खन भी। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये भी नहीं हो सकता रे, हमारी आग जैसा धर्म है। चुपचाप चला जा रे पागल। तुम चाहे पागल बोलो मुझे या दीवाना बोलो, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा दाई अम्मा। अप्पा, किसने रखा इसका नाम दाई अम्मा यार? तू चल रे। लो पकड़ो। कब से उसे उठा ही रहे हो, मटका कब बनाओगे? सुनो, तेरा पति जमीन से 2.5 इंच ऊंचा है, लेकिन इच्छा आसमान जितनी। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ये ऐसा ही करता है। आग लगाकर इसे चटका दोगी ना तो मटकियों पे मटकियाँ ही बनेंगी। घर पर मेहनत करने को तो होता नहीं है, लेकिन बाहर टक्कर करनी है। सब्र कर बेटी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मुंशी जी की बहू का दर्द बढ़ गया है, आपको बुलवाया है। आज एक नया ग्राहक मिल गया, तुम वो बैग ले लो। हट जाओ, हट जाओ। बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ होगी, तुम जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ। जाओ, हाथ दबाइए, पकड़िए। दाई माँ, डॉक्टर साहब मुंशी जी के घर पर हैं, तुम्हें बुलाया है। भगवान ही मालिक है। सुनिए, अब ये कैसी है? कुछ तो अनहोनी हो सकती है, बच्चे का सर पलट चुका है। बच्चे की जान को या माँ की जान को किसी एक को नुकसान हो सकता है। चलो चलो। What is this man? Hey! ये मेरा एरिया है, मेरी परमिशन के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं जा पाओगी। अब मैंने ना बोल दिया तो भगवान भी इसकी रक्षा नहीं कर मतलब पाएंगे। मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है क्या? नहीं है, कब से यही तो बोल रहा हूँ। हाँ?
बच्चे का सर पलट चुका है, बच्चे या माँ दोनों में से कोई एक जाएगा। इससे क्या करोगे? एक बार अंदर जाकर पेशेंट को देख। अरे सीनियर डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, तुम जाकर क्या करोगे? अरे देखने दो ना, पता नहीं किसके हाथ में क्या जादू रहता है, क्या पता। तुम जाओ बाबू, जाओ। अरे अपना हाथ दीजिए। सब्र करो। तुम इनके पैर पकड़ लो, थोड़ा पैर पकड़ लो। ओह माय गॉड राजेश। अरे उसे क्यों अंदर भेजा, अब देखना दोनों की जान चली जाएगी। उल्टा बोलने वाले पनौती कहीं के। हाँ देख लेना, बहू को बेटी पैदा हुई है, माँ बेटी दोनों सही सलामत है। अब क्या बोलोगे? घर पे आओ, तुम्हें बताती हूँ। चल फुट ले, चलते हैं। मनहूस नालायक कहीं का। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहना। तुम खुश रहो बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। बाबू सही वक्त पे अगर आप नहीं आते तो उस पागल की बात सच हो जाती। बाबू उसके जंगली इलाज से परेशान हैं हम। आप दोनों अगर यहीं रहेंगे तो हमारे 40 गांव के लोग आराम से जी पाएंगे, क्या कहते हो? हाँ, हाँ, रावण ने जब सीता को उठाकर लंका लेकर गए थे तब सीता भी ऐसे ही रोती थी, अब राम ने उठाकर लाया है तो तुम रो रही हो। तुम्हारा बेटा राम नहीं, रावण है। तुम सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है और मुझे यहाँ लेकर आए हो। हमने धोखा नहीं दिया है, धोखा मिला है। यहाँ के सारे गांवों की उम्मीद हमारा राजेश है। तुम्हारे पिता ने अपनी ताकत से मेरे बेटे को धोखे से हत्यारा साबित किया है। अब तक हम सबका विश्वास मेरे बेटे राजेश पर से गया नहीं है। बिना विश्वास के तुम्हें यहाँ रखना मुझे पसंद नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। बेटा माँ इस लड़की को रास्ता बता दो। नहीं माँ, इसके पापा नालायक है, लेकर जाओ। ठीक है माँ, चलो। गधे के लिए कहाँ है तेरा गधा? तुम ही तो हो। अरे बाप रे, अरे अरे बाप रे, तूने मुझे गधा बोला? ये क्या है रे, मुझे देखकर भागने वाले लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। क्यों, मुझे मारने के लिए तुम इसे लेकर आई हो? मारने के लिए नहीं रे, मार डालने के लिए। इसके पिता ने मुझे भेजा है।
तेरे लिए ही लाया हूँ ये पेटी। मारने की बात क्यों कर रहे हो? बस शकल ठिकाने लगाने के लिए बोला था ना। देखो मैडम, तुम इससे प्यार करती हो, इसीलिए इसे जेल में मार डालने के लिए तुम्हारे पिताजी डीएसपी सबने मिलकर प्लान बनाया था, लेकिन ये वहां से भाग निकला। उनसे ना हो पाया तो इसे मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। चंद्र प्रसाद के लिए पार्सल में भेजा है बोलना, ले जाओ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, अपने पापा पर भरोसा करके मैंने इतने लोगों का अपमान किया। राजेश, तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बॉडी का पार्सल आ गया है भैया। राजेश मर चुका है भैया। अपने हाथों से डालो अंकल। अंकल अंकल, मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या? बहुत ज्यादा किया। सॉरी। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कह रहा था तीनों स्टेट की पुलिस को हिला करके रख दिया है, 10 लाख ले लिया। उसने कहा था कि बॉडी को बॉक्स में रख करके यहाँ लेकर के आऊंगा। असल में खुद बॉडी बनकर बॉक्स में आया है, देख लो।
चेकपोस्ट लगाया, पुलिस को भी पीछे लगा दिया, सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो मेरी बेटी को लेकर गांव में चला गया। सर वो बस हम सब गांव जाएंगे, वहां की पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ए, चलो सब। ये दवाई दिन में 3 वक्त दीजिएगा, भूलना मत। सब लोग पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके छान कर पीजिए। बोलिए। कई दिनों से चक्कर आ रहा है बाबू। एक बार लंबी सांस लीजिए। यहाँ सबको बीमारियाँ विटामिन की डेफिशिएंसी से आती है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्या? हमारे देश के नेता घोटाले जितना ध्यान से करते हैं उसमें से आधा वक्त भी इन गरीब लोगों के बारे में सोचा होता तो ऐसी तकलीफें कभी होती ही नहीं। कई साल के बाद कोई डॉक्टर इलाज करने यहाँ पर आया है, आपको हमारी उम्र भी लग जाए, आप 100 साल जिए। भैया 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 पुलिस आई हमारे गाँव में। एक गाड़िया निकालो रे, आप जाइए। टैबलेट्स ध्यान से लेते रहना, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अलखिया आओ। ए चलो रे, ए चलो चलो, ए गाड़ी रोको, ए सारी गाड़ियां चेक करना। इन गाड़ियों में तो कोई भी नहीं है सर, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। इन्हें जाने दो और तुम लोग भी जाओ, चलो। ए, झूठ मत बोलना, सब सच सच बोलना। अभी तुम लोगों को इंजेक्शन और दवाइयाँ देने वाला वो डॉक्टर और लड़के कहाँ गई? वो लोग आए तो थे, दवाइयाँ देकर पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए रे? हाँ सर। आप हैं? हाँ सर। सर क्या रे, तू नहीं जानता? नहीं जानता कहाँ गए? बोलो जल्दी, बोलो बोलो कहाँ गए। भगवान खुद हमारे द्वार पर आए, हम उनसे पूछेंगे कि कहां से आए हो और आपको कहां पर जाना है, आप ही बताइए साहब जी, ऐसा होता है क्या? ए, मतलब वो भगवान और हम शैतान है? क्यों, हम शैतान है क्या? जाने दीजिए सर, वरना ये सच समझ लेंगे। सर इतना बड़बड़ मत कर, चुप रहे ठीक है? ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, मतलब वो लोग यहाँ नहीं है, उन बैलगाड़ियों पर ही मेरा शक है। चलो सर, सारी गाड़ियां तो यही है, बैल भी नहीं है, उन्हें चलाने वाले भी नहीं है सर। कौन है सर? वो दोनों निश्चित रूप से इसी गाड़ी से भागे हैं। हमारी आंखों के सामने से वो निकल गया, वो यहीं कहीं नजदीक में होंगे। ढूंढो, कोना कोना छान मारो। इतनी देर से ढूंढ कर क्या किया तुम लोगों ने? तुमसे पूछ रहे हैं क्या किया? रात को क्वार्टर पी थी। मुझे साइनस है और मैं जानता हूँ तुम सब माइनस हो, अब कुछ नहीं हो सकता। केवल एक गांव में नहीं, सेंटर में कह के एक साथ सारी पुलिस फोर्स को बुलाकर 40 गांव में अटैक करवाना है। कैसे नहीं मिलेंगे वो, मैं भी देखता हूँ। तुम लोग भी चलो, चलो। तुम लोग क्या अटैक करवाओगे? सिर्फ चारों तरफ से ही नहीं, पूरे देश की आर्मी लगवाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों ने उन्हें दिल में बसा लिया है। क्या बात कही है सर? कह रहे हो ना सर। चल। ए, पुलिस इस तरफ गई है, हम उस तरफ चल। धीरे से उतरो, स्लोली आओ। हे, संभल कर, आराम से। ओह गॉड, अब यहाँ से कैसे जाएंगे? बताता हूँ। हाँ, इस डाल के सहारे हम उस तरफ जाएंगे। बाप रे, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो आओ। मैं नहीं जाऊंगी। चलो पकड़ो। अरे आप क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, बचपन में जब हम झूला झूला करते थे तब अगर बीच में ही रुक जाता तो हम खुद हिलाकर झूला करते थे, अभी भी हम ऐसा ही करके उस पर आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है। लगाओ, कम ऑन, जोर से हिलाओ। कम ऑन, जोर से हिलाओ, जोर से और फास्ट। Oh!
के एक मिनट थोड़ा सब्र करो। हो गया। नहीं हिलो मत वरना अंदर चला जाएगा। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, 6 महीने पहले आपके हॉस्पिटल में मालती नाम की एक लड़की का अबॉर्शन हुआ था। अब उस लड़की के डिटेल्स चाहिए। आप कौन है? हर किसी को डिटेल्स नहीं बता सकते। 6 महीने के पहले के सारे केसेस के डिटेल्स उस रैक में रखे हैं, जाकर ढूंढ लीजिए। नाम मालती, अबॉर्शन पेपर्स। ओ चलो रे। पकड़ने का तरीका ऐसा होता है। और कोई आना चाहता है? कमोन कमोन आओ। नहीं, भागो भागो भागो। तुम्हारे कहने पर हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर मालती के पति के नाम पर श्रीवास के दस्तखत किए हुए इन पेपर्स को कलेक्ट किया है। ये कितना इम्पोर्टेंट एविडेंस है रोशनी। मरने वाली मालती और श्रीनिवास के बीच रिश्ता था ये बताने के लिए यही एक सबूत है। तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या ले। कन्या तीखी छुरी है, जब कॉलेज में मेरे पीछे पड़ी थी तब एक नजर देख लेता तो अब इस वक्त इस झोपड़े में अच्छे से घर बसा लिया होता। क्या हुआ राजेश, क्या बोल रहे हो? नहीं तो मैंने कुछ नहीं बोला। ए, कुछ तो बोला है। है मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। ए, झूठ मत बोलो, कुछ तो बोला है तुमने, बोलो। अरे बाबा मैंने कुछ नहीं बोला है, बोल रहा हूँ ना। कॉलेज में कहकर कुछ तो बोल रहे थे, मैंने सुना है, बोलते हो या नहीं? ओके बोलता हूँ। हाँ बोलो। तभी कॉलेज में जब तुम मेरे पीछे पड़ी थी तभी तुम्हें एक नजर देख लेता तो एक काम हो जाता। इस वक्त खुशी से इस झोपड़े में अपना घर बसा लेता, ये बोल रहा था बस। यू मेरे बारे में ऐसा बोलते हो? जस्ट वेट। डॉक्टर बाबू ये सब लेंगे क्या? हाँ? अरे ये क्या है, ये घास क्यों हिल रहा है? देखो शहर के तरीके से बोर हो गए हैं, गांव का तरीका आजमा रहे हैं। दिन दहाड़े ये सब क्या है? भारी जवानी में दिन क्या और रात क्या? अलग क्या, छोड़ो मुझे। ये अलग क्या, अब बहुत हो गया, बस हो गया। ये अलग क्या और मैं अलग क्या? बेटी ये ले लोगी तो हम चले जाएंगे। डॉक्टर बहुत मुलायम होते ऐसा सोचा था मैंने, पर तुम लोग भी धमाल कर लेते हो।
बाबूजी ने क्या समझा होगा पता नहीं, जरा समझा देना। अब आज पूरे दिन इस बाजार में कोई नहीं आएगा, बाबूजी को भी बता देना, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। ए, सर, वो दोनों ब्रह्मांड में कहीं भी छुपे हो ढूंढ के निकालूंगा। अब 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 क्या बात कही है सर। ए, आधे बंद करो, पहले उन्हें पकड़ना है। तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ। आप घर जा रहे हैं सर। शट अप। हे, फॉलो मी, कम ऑन। यस सर। पोलियो डोज की तारीख किसमें? राजेश बाबू, आपको पकड़ने के लिए पुलिस आई है, पूरे गांव को घेर लिया है। चलो 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 चलो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर आओ। रखिए जल्दी 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 करो, ढको ढको जल्दी करो, ढको यहां से। अरे जाओ यहां से, निकलो जल्दी। है पत्ती लाओ, पत्तियां लाओ जल्दी, ढको ढक दो। ए, चाहे कुछ भी हो, गांव गांव होता है और सिटी सिटी। बा, 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 क्या बात कही है सर। चलो 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 चलो, निकलो यहां से, ढक ढक, चलो जल्दी जल्दी से। चलो भाई ढूंढो सर, तुम भी ढूंढो। राजेश कुत्ता, बाहर पुलिस से अलग किया, इसका ध्यान रखना। बाप रे, देसी दारू पीने की वजह से पेट भारी हो चुका है, अर्जेंसी है। चल जा रे बाबा, अच्छा कुत्ता है, अच्छा प्लेस बताया है, भूल चुका है रे बाबा। राजेश वो देखो, अब ये क्यों अपनी धोती उठा रहा है, यहाँ से चलते हैं। अरे ये क्या पेड़ चल रहा है, अरे रुको रुको। अरे पेड़ फिर से चल रहा है, ए रुक जाओ, अरे रुक जाओ। बोला ना, कुत्ते ने किया तो अच्छा लगा तुझे, मैं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उस पर मुझ पर डिफरेंस क्या है, पेट भूल चुका तुम, यही रुको, करने दो। राजेश वो देखो, चलो। अरे फिर से जा रहा है, ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, कुत्ते ने किया तो मजा आया, मैं करूंगा तो मजा नहीं आएगा क्या। क्या कर रहे हो यहाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मैं अकेला बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ सर, पेड़ भाग रहा है। पीने के बाद नशा चढ़ता है तो पेड़ भागता हुआ नजर आता है, पूरी दुनिया नाचती हुई दिखती है। बेवड़ों की साइकोलॉजी क्या पहचाना है। चुप रहो रे बाबा, एक तो मेरा पेट पूरा जा रहा है। सर जरा पकड़ लो सर, करना है मुझे। क्या पकड़ना है, तुम क्या करोगे? आप पेड़ पकड़ो सर, मैं सुसु कर रहा हूं। तूने मुझे समझ के क्या रखा है रे, मेरी रेंज तुझे पेड़ पकड़ने की लग रही है। दूंगा घुमा के, होशियारी मत कर, चल निकल, कम ऑन, फॉलो मी। आपने अपने आप को क्या पहचाना सर? ये इतनी आसानी से हमें छोड़ेगा नहीं। सर सर आइए सर, पेड़ भाग रहा है। मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था ना, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे अरे अरे, बाप रे, पेड़ भागा जा रहा है। आइए सर जल्दी आइए, देखिए, मेरी बात पर आपने यकीन नहीं किया था ना, देखिए पेड़ भाग रहा है। Yes, something wrong with that. Yes, sir. चलो। इस टेंशन में मेरी सूस भी बंद हो जाएगी। Come on. सर वो पेड़ भाग रहा है सर। Yes, follow me. ये पकड़, अभी उठाता हूँ। हाँ सर, बोलो भाग गए सर, यहीं कहीं पर होंगे। ए, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी ढूंढो, चलो ढूंढो, जाओ उस तरफ ढूंढो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, बाइक की आवाज है। हाँ यार। हाँ सर, सर बोलो भाग रहे सर। चलो इन्हें ले चलो, चलो ले चलो जल्दी। हाँ ठीक है, उठाओ उठाओ। अभी शहर जाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। सही है सर, लेकिन अब उस क्रिमिनल ने हम पर अटैक किया तो। यस, सब लोग अलर्ट रहो। सब लोग अपनी गन्स फेंक दो, वरना इसे मार दूंगा। तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी गन्स फेंकने बोलो। अरे फेंक दो ना भाई, जल्दी से फेंको। ये लो, फेंक दिया सर। और किसी को भी हिलने मत दे। ये सारे
आओ लखिया। सैल्यूट। इन दोनों को पकड़ना हमारी बेवकूफी है। पुलिस को बोल के कोई फायदा नहीं है। डीएसपी भी मिला हुआ है। सीधे कलेक्टर से बात करते हैं। आप इन सबको गाड़ी में डाल दो। लेकर जाओ। हेलो। हेलो सर, फोन है सर। हेलो। नमस्ते सर, मैं सीआई चंगल रायडू बोल रहा हूँ। जेल से भागे हुए डॉक्टर राजेश के बारे में बात करनी है। बोलिए सर। हरिचंद्र प्रसाद जी की बेटी का किडनैप करने वाला वो क्रिमिनल नहीं है सर, वो दोनों लवर्स हैं। हरिचंद्र प्रसाद, डीएसपी और मेयर सब ने मिलकर उसे फंसाया सर। व्हाट, क्या कह रहे हो सर? वो लड़का बहुत अच्छा है सर, उसने हमारे जख्मी पुलिस वालों की जान बचाई है सर। अच्छा? यस सर, इस केस को गहराई से पढ़ेंगे तो सच समझ में आ जाएगा सर। ओके मिस्टर चंगल रायडू, आई विल सी दैट केस। थैंक यू सर, रखता हूँ। नमस्ते सर। सर आप सुपर हैं सर, सुपर हैं। सुनो कुलप्पा की जेल के कैदी नंबर 786 की फाइल लेकर के आओ। ठीक है सर। क्या हुआ, कपड़ों को इतना कसके क्यों धो रही हो? उस राम की बेटी की सुहागरात हो चुकी है, बहुत दाग लगे हैं। पहले से डॉक्टर मेम साहब और डॉक्टर बाबू के कपड़े मैं धो रही हूँ, कभी भी तो ऐसा कोई दाग नहीं दिखाई दिया। क्यों भाभी, उन दोनों की बात सुनी क्या आपने? हाँ सुन चुकी हूँ। गांव की खुशी चाहने वाले वो दोनों खुश नहीं होंगे, ये हमारे गांव के लिए शर्म की बात है। जानू क्या बात है, इतना क्यों मचल रही हो? तुम्हें देखकर नहीं, मुझे ना उसकी दवाई चाहिए। वो दवाई चाहिए? वो तुम्हें क्यों चाहिए? वो मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक रहती हूँ तभी तुमसे कुछ हो नहीं पाता है। अगर दवाई खाकर जोश में आ गई तो पहली बार में मर जाओगी। तो किसके लिए चाहिए? डॉक्टर बाबू और मेम साहब के लिए। तुम्हारे लिए मैं कभी ना बोल सकता हूँ क्या? इलाज करने वालों का ही इलाज करने जा रही हो। वाह तुम्हारा क्या कहना, दवाई खाने वाला नामवर्दी क्यों ना हो, खुले सांड की तरह पूरे गांव पर हमला बोल देगा। इतना ही नहीं, अगर इस दवाई को हमने किसी हाथी को खिलाया ना तो बस बात खत्म। पहाड़ पर्वत धरती आकाश गड़गड़ाकर चिल्लाते हुए भागते हुए पूरे गांव को काम सूत्र में बांध देगा। ये लो, ये ले जाकर उन्हें दे दो। इसे पीने के बाद इलाज करना भूलकर, घर पर ताला लगाकर सब कुछ भूलकर मदहोश हो जाएंगे। लेकर जाओ, जल्दी करो। जानू वापस लौटने के बाद तुम्हें इनाम दूंगी, चलो। हाँ जाओ। अलख्या बेटी। क्या है दयाम्मा? ये ताजा ताजा दूध है, बहुत स्वादिष्ट है, खास करके आप लोगों के लिए लेकर आई, आप दोनों को पीना पड़ेगा। ये लो। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ अब। हाँ पूजा के लिए बुलाने जा रही हूँ, तुम भी चलो। चलो चलो बेटी। अलख्या, अलख्या बेटी। क्या है? हमारे नए घर के गृह प्रवेश की पूजा है, सारे लोग जाने वाले हैं, तुम्हें भी आना पड़ेगा। जरूर आऊंगी, गांव की सारी औरतें मेरे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। खीर बना रही हूँ, खा कर जाइए ना, आइए अंदर। कोई बात नहीं है, हम यहीं बैठेंगे, आप जाओ। ठीक है चलो। वैसे दायमा वो दिया है क्या? हाँ दे दिया। इसका मतलब आज रात को बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं रे, पहले हम बेसबर पति की कहानी देख चुके हैं, खेत में आग लगाने वाली नारी भी देख चुके हैं, पढ़ाने वाले गुरुजी का भी देख लिया है। वैसे वीरम्मा तुमने कितने देखे हैं? 99 देखी है बेटी। बाप रे, अगर इनका भी देख लोगी तो पूरे 100 हो जाएंगे। 100 भी कहानी देखने के लिए ही आई हूँ। अच्छा अब तक जो तुमने देखे हैं वो सब एक तरफ होंगे, मेम साहब और डॉक्टर बाबू का देखोगे तो अलग होगा। इतना मजा आएगा। सब लोग अंधेरा होने के बाद आना, हम सब मिलके इनकी सुहागरात देखेंगे, मजा आएगा। दूध कहाँ रख दिया मैंने? ये लीजिए। ले लो। ये आप लो। भी लीजिए।
बहुत अच्छी है बेटी। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है बेटा। खीर बहुत अच्छी है। मैं जाती हूँ, मटकी बना बना कर थक कर आते हैं, आते ही खाना मांगते हैं। आज तो पेट भर के खिला दूंगी। जाती हूँ। मैं भी आती हूँ। मैं भी जाती हूँ। भूख से सोते नहीं है, नींद में ही भूख लगी है कहकर चिल्लाते हैं। मैं भी जाती हूँ। नई दवाई बनाने के लिए उन्होंने मुझे जल्दी घर बुलाया था। मैं जाती हूँ। हाँ सब लोग तो चले गए, चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलो, मैं भी जाती हूँ। क्या बात है, आज मूड में लग रही हो, बात क्या है? मेरे प्यार में तुमने कभी वाह नहीं बोला है, इनाम दूंगी बोला था ना, आओ जानो। मतलब आज मेरी हरियाली आली होगी। चलो पापा जाओ, मैंने मेहनत करके आता हूँ, तुम जाओ जल्दी। अरे बच्चों, मैं ये तुम्हें बताने दे रहा हूँ, सब आराम से खाना, ठीक है पापा? आज तो मजा आ जाएगा। हमारे शादी के नाम नए दिन याद आ रहे जी। क्या बोल रही है? तुम धोते रहते थे और मैं बदन तोड़ कर देखती रहती थी। अरे तेरी तो ये बात करके हमारा दिमाग खराब कर रही है। आधी रात को क्या हो गया तुम्हें? वापस वो दिन कब आएंगे सोच रही हूँ जी। मतलब फिर से सुहागरात मनाना चाहती हो, तो चलो। इतना मचल क्यों रही है तू? बात क्या है? इन दिनों तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हें उठाने का मन करता है। इतने दिनों से भूल गई थी क्या? वीर किस बात की, उठा ले। आजा मेरे छोटे मोटे वीर। अरे बाप रे, छोटे। अरे अरे अरे, जानू रुक जाओ ना। अरे लगता मेरी दवाई खाली है। जानू, अरे बाबा मेरी दवाई खाली है भगवान। अरे छोड़ो, जाओ मेरी जान। अरे बाप रे, मैं इसे धोना चाहता था और ये मुझे धो रही है। चलो ना बाप रे, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरी धोती फट चुकी है। अरे मुझसे नहीं होगा, चल। अरे क्या हो गया तुझको? अरे बाप रे, मैं तो मर गया रे बाबा। अरे छोड़ मुझे। अरे रुक जाओ मेरे छोटे वीर, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, रुको ना, आओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको, जाओ मत। इधर छुप जाता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, इतना घबराए हुआ क्यों है रे? अरे पूरी कहानी पलट चुकी है। सेम टू सेम, मेरे साथ भी वही हुआ। ये क्यों आ गया रे? यहाँ छुप जाता हूँ तेरे साथ भी। अरे जब हम जैसा कोई हाल बुरा हो गया तो ये तो तू सा, इसका क्या हुआ होगा? एक मिनट भी और रुकता ना तो मेरा अचार बन जाता। अरे जा, थोड़ी देर और हम यहाँ रुके ना तो हम सबका अचार बन जाएगा। वो सब यही आ रही है, चलो छुप जाओ। सही कहा, तुम्हारा सामना करना हमारे बस की बात नहीं। तुम सब में हिम्मत ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, एकता ज्यादा है, सेंटीमेंट्स भी ज्यादा है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तो वो अपनी माँ को ढूंढता हुआ आएगा ना? रे, हम गरीबों की जान को क्या समझ रखा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं तुझे। hey, अगर कोई आगे बढ़ा ना तो मैं उसे जला कर रखूंगा। इन्हें मत मारना। ओए, मार दूंगा मैं तुझे। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कल तक इसका बेटा मेरी बेटी के साथ स्वर्ण भारती स्टेडियम के पास आ जाना चाहिए, वरना इस उम्र में मैं इसे वापस दुल्हन बनाऊंगा। नहीं समझ में आया ना? इसकी शादी मेरे साथ होगी, इसका बेटा मेरा बेटा हो जाएगा, मेरी बेटी उसकी बहन बन जाएगी। भाई बहन फिनिश। ए, राक्षस कहीं के, मेरा बेटा आएगा और तुम्हें मार देगा। नहीं, दुल्हन को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। ए, लेकर चलो। ए, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। रुक जाओ, गलत है सर, छोड़ दीजिए। तो क्या, चला
छोड़ दीजिए। ए, तुमसे बड़े ऑफिसर होने के नाते बोल रहा हूँ, हट जाओ, छोड़ दो। हा? ए, इतने दिनों से चेक पोस्ट पे छोटे छोटे मुजरिमों को पकड़ के अपनी सर्विस बर्बाद की मैंने, लेकिन तुम जैसे कमीनों को पकड़ना ही मेरी असली सर्विस है। ए, ए, क्या पे? ए, दोनों छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मुझे सर से तुम्हारी सिंसियरिटी ही तुम्हारा माइनस है। तुम मर जाओ। अरे उसका ना पीछे समझदार है तू। छोड़ दो। चल बैठ। ए बहन जी, अरे भाई साहब, सर को उठा के ले चलो भाई साहब, मेरी मदद करो। आओ भाई, आओ सर, सर, सर आपने क्या मत कीजिए सर। ये आपको मैं बचा लूंगा सर। हालत बहुत खराब है। हट जाओ। हट जाओ। हट जाओ। आइए सर। चलिए हटिए। क्या हुआ? अरे आओ सर, देखो सर को क्या हुआ सर। डॉक्टर सर। मंगल सूत्र फूलों का हार लेकर क्या हो? जाओ जल्दी। मेरा बेटा जरूर आएगा, मुझे और तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर जाएगा। बेटा। माँ, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए ये सब अरेंजमेंट किया। मेरी बेटी करोड़ों की जायदाद की मालिक है। मेरा होने वाला दामाद एक पावरफुल लड़का होना चाहिए। वो दम तुम में है क्या? हरिचंद्र प्रसाद, पहले मेरी माँ को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे आदमियों को मारो, उसके बाद अपनी माँ और मेरी बेटी दोनों को लेकर जाना, नहीं तो मेरे आदमियों के हाथों मर जाओ। इट्स अ चैलेंज। पहले माँ जी को छोड़ने को बोलो, बाद में फाइट होगी, नहीं तो हम सब मिलकर इसे मार देंगे। अगर कोई आगे आया तो मैं इसे मार दूंगा। तुमसे हो सकता है तो मेरे चैलेंज का सामना करो, नहीं तो मैं नालायक हूँ ऐसा कहकर मेरे पैरों पर गिरो। मेरी बेटी को छोड़कर अपनी माँ को लेकर के चले जाओ। चलो। अकेला आएगा सोचा था, ये तो पूरे गाँव के साथ आया है। जिंदा रहे तो बियर की बोतल बेचकर जी सकते हैं। ऐसी बात है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। Hey! दो तीन लोग आ गए, ये अन्याय है। ए, इस एरिया में मैं जो बोलता हूँ वही होता है। Hey! Hey! Hey!
जो जंग है ये तेरे और मेरे बीच है। अगर तुझ में हिम्मत है और तू एक बाप की औलाद है ना, चल 1-on-1 फाइट करते हैं। मुझे साइनस है। वही तेरा माइनस है। Oh!
ऐसे पापी को मारकर अपनों से दूर होना मुझे पसंद नहीं है राजेश। मुझे साइनस है, मैं खुद ही माइनस हूं। मिस्टर हरिचंद प्रसाद, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारे सारे गुनाहों के सबूत मेरे पास हैं। इंस्पेक्टर, टेक हिम अवे। यस सर। कांस्टेबल सर, जाइए इसे। डीएसपी को भी लेकर के जाओ। यस सर। जी सर। जाओ राजेश। ओके सर। इनके दिए हुए सारे सबूतों के आधार पर तुम निर्दोष प्रूफ हो चुके हो। तुम्हारी सजा को रद्द करने के लिए ये कोर्ट के ऑर्डर से ये लो। थैंक्स रोशन, तुमने मेरी और हमारे गांव की बहुत मदद की है। यू आर समथिंग स्पेशल टू मी। डॉक्टर राजेश, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारे जैसे नौजवानों की इस देश को बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हारे बारे में सीएम से बात की है। आपके गांव के लिए सीएम साहब ने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किया है। ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस हॉस्पिटल के तुम्हें चीफ डॉक्टर हो।